हेलो फ्रेंड्स, गोकुल रिफॉइल्स। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूअस एक रेंज में प्राइसेस घूम रही है यहाँ पे, और ऊपर जाने की कोशिश करती है, वापस एक उसके नीचे की रेंज में आ जाती है। अभी अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये जगह पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखें, ये सपोर्ट लाइन का काम किया है ये प्राइस ने, 30 रुपये की प्राइस ने। एक बार ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूअस उसके ऊपर ही है, नीचे नहीं आ पाई है, और वो भी अप्रोक्सीमेट 2.25 महीने से। तो ये सपोर्ट के पास घूम रही है, अच्छा सपोर्ट दे रही है 30 की प्राइस। तो ये सपोर्ट लेवल तो सपोर्ट के तौर पर बढ़िया है। नॉर्मली क्या होता है कि एक जो प्राइसेस ऊपर जाती है तो एक जगह पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और फिर ऊपर जाने के बाद वही लेवल सपोर्ट का लेवल बन जाता है, यानी कि वो लेवल पहले जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता था, वही लेवल प्राइसेस को नीचे नहीं आने देता है और एक सपोर्ट देता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो दो बड़े कैंडल्स है, पब्लिक यहाँ पे घुसी है उस दिन से, देखिए यहाँ से आज कितना डाउन है वो आप यहाँ पे देखें। उस दिन का क्लोज है, इस दिन का 3 जून का क्लोज है 37.45, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 37.45 से आज का क्लोज 16.82% डाउन है, और उस दिन का जो टॉप था, हाई बनाया था 38.75 का, उस दिन से आज 19.61% डाउन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी क्या ये प्राइसेस नीचे आएगी या यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगी? मुझे लगता है प्राइस नीचे आएगी। अभी है 31.15 और मेरा टारगेट इसमें 27 रुपीज का। थैंक यू।